फिर से तैयार हो जाइए और नई ऊर्जा के साथ। दोस्तों, अररिया MIM पार्टी के चाहने वालों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए कि अररिया MIM पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब रहमत अली को मिला जेल से जमानत। दोस्तों, MIM पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब रहमत अली जेल से बाहर आते ही उन तमाम RJD और JDU के नेताओं को बनाया निशाना जिन ने उनको बेबुनियाद आरोप लगाकर जेल भेजा था। दोस्तों, पूरी खबर बारी बारी से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अररिया ज़िला अध्यक्ष जनाब रहमत अली 123 दिन के बाद जेल से ज़मानत मिल चुका है। यानी दोस्तों, बीते रात जनाब रहमत अली जेल से बाहर आ गया है। जनाब रहमत अली फेसबुक पर लाइव आकर फिर से तैयार हो जाइए और नई ऊर्जा के साथ के मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप तो जेल नहीं गए हैं, पहले गए होंगे JP आंदोलन में, लेकिन आज आप अपने जेल में जाकर एक दिन बिताइए और देखिए कि उस जेल में युवाओं की क्या हालत है। आज सूखे नशे का कारोबारी युवा बन चुका है, हर घर नशा खरीद रहा है, हर घर नशा बेच रहा है। इसका क्या उपाय होगा, कैसे आप जागरूक करेंगे लोगों को? तो ये बड़ा मसला है। मुझे एहसास हुआ कि नशे की लत में डूबता बिहार क्या तरक्की करेगा बिहार। तो इसलिए आप तमाम लोग इस बात को गंभीरता से उठाएंगे और हमारे हौसलों में कहीं कमी नहीं आई है। जो था वो रहमत अभी आपके सामने जेल से रिहा होने के बाद आपसे संवाद कर रहा हूं और उम्मीदता नियंत्रण कार्यक्रम चलता रहेगा। कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को मजबूती से पकड़े रहिए। आपको पता है कि अगर संसद में असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं और बिहार विधानसभा सदन में अख्तरुल ईमान बोलते हैं तो अररिया का हर नौजवान भी उसी को देखकर बोलेगा और जुल्म को समाप्त करने का प्रयास करेगा।